ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहाँ आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूँ, तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। ज्ञान व्यापी का विश्वनाथ मंदिर जिसके शिवलिंग को तोड़ नहीं पाए, आज वो शिवलिंग वहाँ विराजित है, वो मंदिर है, और हमारा यह प्रयास है कि हम उसे हासिल करके रहेंगे। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए बयानबाजी करती है, कैसे हिंदू मुसलमान हो जाए, मंदिर मस्जिद हो जाए, राजनीतिक लाभ मिल जाए। याद होगा कि जब ज्ञान व्यापी का सर्वे हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो न्यायालय था वहाँ पर ये शपथ पत्र दिया था कि सर्वे नहीं होना चाहिए। इनकाउंटर होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बयान कुछ और होते हैं, लेकिन अब न्यायालय में पेपर दर्ज जमा करने होते तो वो कुछ और होते। जिस आवाम जो है ज्ञान व्यापी मस्जिद कहती है और कागजात में ज्ञान व्यापी मस्जिद के नाम से वो मशहूर है। मस्जिद तो मस्जिद है, मस्जिद ही के नाम से जानी और पहचानी जाती है। रसे में बड़े सवाल, ज्ञान व्यापी ही विश्वनाथ धाम, बयान से तिल मिलाए भाईचार, सबको पता है सच, बोलने से क्यों रहे हैं पंच, अवैध मस्जिदों के पीछे कौन, कैसे टूटेगा मौन, धर्म के नाम पर षड्यंत्र, साजिशों के पीछे विदेशी तंत्र, इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। राहुल यादव जी, नेता समाजवादी पार्टी, आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्म गुरु, हाजी नाजिम खान जी, मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। हाजी नाजिम खान साहब, हालांकि ज्ञान व्यापी तो कोई शब्द होता नहीं उर्दू में या कहें अरबी में, और ज्ञान व्यापी के नाम से मस्जिद, यही कहा जा रहा है कि वो तो विश्वनाथ जी की जगह है। राहुल भाई, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है, आ रही। हाँ, देखिए, अभी आपने कहा कि ज्ञान व्यापी कोई शब्द नहीं होता मस्जिद का, तो देखिए सबसे पहले तो मैं राहुल जी ये बता देता हूँ, उस मस्जिद का नाम आलमगीर मस्जिद है और ज्ञान व्यापी जो है वहां एक जगह का नाम है, उसके नाम पे ही ज्ञान व्यापी मस्जिद वो पड़ गया है। और रही बात यह कि जिस तरीके से आज सूबे के वजीर आला ने कहा कि इसको ज्ञान व्यापी मस्जिद ना कहकर इसको विश्वनाथ मंदिर ही कहना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल जी, देखिए संवैधानिक पद पर रहने के बाद अगर कोई इस तरीके की बात करे तो ये सही नहीं है। ये कोर्ट अभी, ये केस अभी कोर्ट के अंदर चल रहा है, और जब केस कोर्ट के अंदर चल रहा है तो फिर अपनी तरफ से बात कहना कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर। आपने क्या बताया था, कौन क्या क्या नाम बताया था आपने? मैंने आलमगीर मस्जिद बताया। आलमगीर मस्जिद तो अलग है। नहीं, यही है ज्ञान व्यापी मस्जिद। आप दोबारा देखिए, आप दोबारा देखिए, आप सर्च कीजिए। नहीं, मुझे राहुल जी, मुझे सर्च करने की जरूरत है, मैंने नमाज, मुझे भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप जिस आलमगीर की बात कर रहे हैं ना, वो देखिए कहाँ है आलमगीर मस्जिद की, जिसकी बात कर रहे हैं आप सर्च कीजिए, आप सर्च कर लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ ना, आप सर्च कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ, आप सर्च कर लीजिए आलमगीर मस्जिद। बात तो नहीं, बात कहां से सुन लूं जब आपने शुरुआत ही झूठ से कर दी। अच्छा राहुल जी, अगर हाजी नाजिम अगर ये बात कहे तो आपको झूठ लगती है। अब मैंने कहा कि मस्जिद जो है आलमगीर मस्जिद के नाम से, आलमगीर मस्जिद तो और कहीं है, वाराणसी में ही, लेकिन और कहीं है। इसी मस्जिद को कहा जाता है राहुल जी, इसी मस्जिद को कहा जाता है। क्या आप बता, संदर्भ दे दीजिए ना, कहां लिखा हुआ है, मैं पढ़ लेता हूं। हाँ, आप गूगल के अंदर आप भी कर लीजिए गूगल, मैं भी कर लेता हूँ गूगल, इसीलिए तो मैंने बात ही काट दी ना आपकी। आप गूगल करके एक बार बता दीजिए, मैं आपको वक्त देता हूँ तब तक। नहीं राहुल जी, तो आचार्य राज मिश्रा जी, नाजिम साहब नहीं करेंगे, आप ही गूगल कर लीजिए तब तक। आलमगीर मस्जिद डालिए वाराणसी, अभी पता चल जाएगा कि ज्ञान व्यापी आलमगीर है, आलमगीर अलग है, जो ये बताना चाह रहे हैं। मैंने डाल लिया, मैंने देख लिया और मुझे पहले से पता है, क्योंकि यहाँ पर नाजिम खान साहब के पास कुछ कहने को है नहीं, तो इसलिए जो भी मन में आ रहा है अनाप शनाप उसको बोल रहे हैं। सबसे पहले आलमगीर मस्जिद वो नहीं है, वो ज्ञान व्यापी मस्जिद, ज्ञान व्यापी मंदिर है, इसको ध्यान रखिएगा।
जहां पर जिसका वर्णन बड़ा मस्जिद थी है हमेशा मस्जिद रहेगी। मस्जिद को कैसे कहते हैं इसका मतलब इसका मतलब है कि आप कोर्ट के आदेश आने से पहले कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है और जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं देगी तो आप मस्जिद को मंत्र कैसे बता सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि वो मस्जिद थी है दिखा देंगे। मस्जिद थी है हमेशा रहेगी इंशाल्लाह मस्जिद है, लेकिन मुझे ये पता है कि आपके किसी भी ऑथेंटिक ग्रंथ में उसका जिक्र नहीं है। मैं 500 ग्रंथों में यहां बैठ करके आपको अपने उस मंदिर का चित्र दिखा दूंगा, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा फिर एक बात और है, आपने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं, बिल्कुल क्लियर पूछ रहा हूं भाई नाजिम खान साहब, बताइए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कौन से संवैधानिक आर्टिकल का उल्लंघन किया है? एक आर्टिकल की बात बता दीजिए कि उसका उल्लंघन योगी आदित्यनाथ जी ने किया। उस पर छोड़ देते ना, उसकी बहस नहीं करते हैं आचार्य। आचार्य जी मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए आचार्य जी, मैंने कहा कि ये केस मानस के अंतर्गत सुन लीजिए क्या मस्जिद मैं ठीक है मैं आ जाता हूँ जहाँ से शुरू किया था नाजिम खान साहब वहीं से आ जाते हैं। असली नाम तो बता दीजिए। हाँ देखिए मैंने तो मस्जिद का नाम आपको बता दिया। गलत है ये आलमगीर है ही नहीं। देखिए हाँ देखिए मैंने तो बता दिया, आप दिखाइए ना पेपर। अरे सुन हाँ यही राहुल जी मैं यही कहवाना चाह रहा था कि हर जगह हम अपने पेपर ही दिखाने पड़ते हैं, हर जगह हम अपनी देशभक्ति दिखानी पड़ती है, तो ये बता दीजिए कब तक। आप तो कह रहे थे ना कोर्ट में है मामला, कोर्ट से आगे नहीं जा सकते, कोर्ट में तो पेपर ही चलता है। आचार्य जी मुझे बात करने दीजिए, कोर्ट में तो पेपर ही चलता है, वहां ये दलील नहीं चलेगी जो आप दे रहे हैं या मैं जो कह रहा हूं, वहां तो पेपर ही चलता है। हाँ राहुल जी देखिए पेपर चलते हैं, पेपर के अंदर ज्ञान व्यापी मस्जिद है वहां पर, तो देखिए कोर्ट के अंदर अभी पेपर नहीं। आप पहले क्लियर कीजिए कि आलमगीर है कि ज्ञान व्यापी है। नहीं देखिए मैंने तो मस्जिद का नाम आलमगीर कह दिया, वो है ही नहीं, वो आप ये है नहीं नहीं ज्ञान आलमगीर अलग है, ज्ञान व्यापी अलग है, आलमगीर अलग है। जाने दीजिए उन्हें नहीं पता होगा नाजिम साहब को। हाँ। नहीं नहीं मुझे अरे सुन लीजिए सुन लीजिए आचार्य, मैं कहता हूँ कि भारत के अंदर तीन चीज हमेशा निशाने पे रहती है, और मैं अपनी बात को चालू करने से पहले कहता हूँ कि चलती बंदूक के दहाने पे राहुल जी हमको मालूम है हम निशाने पे है। और देखिए सबसे पहले भारत के अंदर मस्जिदें निशाने पे है, दूसरे नंबर पर भारत के अंदर मुसलमान निशाने पे, और तीसरे नंबर पर भारत के अंदर बहन बेटियां निशाने पे। ये तीनों चीज मैंने बात क्लियर करी है, और देखिए इसका जीता जागता प्रमाण मस्जिद एक मिनट बता दीजिए, मस्जिद निशाने पर है तो दिल्ली की शाही मस्जिद को क्यों कोई कुछ नहीं कहता कि ये यहाँ ये है यहाँ ये है, या फिर दूसरे जहां और भी जगह है जहां विवाद नहीं है वहां क्यों नहीं उसे लेकर कहा जाता है कि ये विवादित है? कुछ जगह है जो विवादित है उसे आपको भी मानना पड़ेगा। अगर आप औरंगजेब को ही अपना मान लेते हैं सब कुछ तो बात ही अलग है ना फिर। आप राहुल जी हमने कहा कि ये मुल्क तो संविधान से चलता है, और देखिए हम संविधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले ठीक है। देखिए अभी जिस तरीके से हाँ सुन तो लीजिए, अभी आपने कहा जो मस्जिदें अवैध हैं उनके बारे में कहा जाता, तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक पीपल का ठीक है सब कुछ संविधान से चलता है, तो आ जाते हैं ना शिमला वाले मामले को लेकर, संविधान से ही चलता है तो अवैध रूप से मस्जिद क्यों बनाई जा रही थी? राहुल जी बात तो सुन लीजिए, मैंने ये कहा देखिए एक पीपल का पेड़ होता उसके चारों तरफ बाउंड्री करके कब वो मंदिर में तब्दील हो जाता, हम लोगों ने कभी आपत्ति नहीं, तो वहां कभी मंगलवार को आप ये नहीं देखते होंगे भीड़ लगाकर सड़क कब्जा करके वहां हनुमान चालीसा का पाठ होता है क्या? हाँ नहीं हम सुन लीजिए ट्रेन के कोचों के अंदर ट्रेन में भजन कीर्तन होते हैं, अगर कहीं सड़क पे 15 मिनट के अंदर नमाज पढ़ ले जाती है तो एक पंक्ति धारा लगाकर नमाज पढ़ते हुए लात मार देता है, और जबकि सुन लीजिए जबकि कावड़ यात्रा निकल रहा है अजीत जी सुन लीजिए जब कावड़ यात्रा निकलती है रास्ते में लोग हो जाते हैं कावड़ यात्रा की बात कर रहे हैं ना, कावड़ यात्रा की बात कर रहे हैं ना, एक मिनट ठीक है। हाजी नाजिम साहब देखिए और भी मेहमान है, कावड़ यात्रा की जब बात कर रहे हैं, जब हज पे जाते हैं हाजी जो होते हैं क्या सरकार की तरफ से उन्हें नहीं छोड़ा जाता या उन्हें एयरपोर्ट तक नहीं ले जाया जाता या उनको जिस तरीके से उन्हें विदाई दी जाती वहां जाने के लिए सरकार की तरफ से नहीं किया जाता क्या?
उन्हें विदा किया जाता है फूलमाला पहनाकर। आप बताइए तो एक बार, बता दीजिए नहीं किया जाता तो मैं भी मान लेता हूँ नहीं किया जाता। सुन तो लीजिए, मैं आपसे तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपने वो तस्वीर देखी है कि नहीं देखी है कि नहीं? हाँ नाम जवाब दे दीजिए आप। सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ ये गंगा जमुनी तहजीब है। अब तहजीब आ गई, कावड़िया अभी कावड़ पर आप सवाल कर रहे थे, जब मैंने हाजियों को लेकर सवाल किया तो ये तहजीब हो गई, ये तहजीब हो गई। राहुल जी जब मैंने कहा कावड़ यात्रा निकलती है तो भारत के मुसलमान केले भी देते हैं, हाजी नाजिब ने भी केले दिए, फल वितरित करें अपने भाइयों को कावड़ यात्रा। और देखिए कई मंदिरों में, मैं तो कहता हूँ कई, मैंने कहा ना कई मंदिरों में तो नमाज भी पढ़ी गई, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करवा दीजिए उसी जिसकी बात हो रही है वही हनुमान चालीसा का पाठ करा दीजिए तो हम जाने ना गंगा जमुनी तहजीब है। ये हुआ है क्या? हाँ, ये कभी हुआ है हमें बता दीजिए, मेरी याद में आप ही बता दीजिए सर, अगर आप लोग निशाने पर कभी हुआ है। हाँ सुन तो लीजिए, अभी मैं आपको ताजमहल की भी बात बता देता हूँ, जहाँ पे ताजमहल में अभी गंगा जल लेकर जाकर चढ़ा दिया गया, स्वागत किया कि आइए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जैसे हिंदुओं ने मंदिर में बुलाकर कहा कि आइए आप अजान अपना यहाँ अल्लाह को याद कीजिए, अजान दीजिए आप। हाँ, राहुल जी देखिए मैं तो कहता हूँ कि ये इबादत गाह है मस्जिद, देखिए हम तो खुले तौर से दिल खोल कर कहते हैं कि आइए हमारी मस्जिद का इबादत कीजिए, हमने नहीं आप इबादत ठीक है बताइए, इबादत बता दीजिए, हम तो कहते हैं इबादत के लिए आपको इनवाइट कर रहे हैं, आइए इबादत कीजिए। नाजिम खान साहब आपने कहा इबादत कीजिए, मैं आने को तैयार हूँ, हनुमान चालीसा करूंगा, चैलेंज करता हूँ, भंडारा भी करूंगा, आप बताओ किस मस्जिद में आना है, जहाँ कहोगे। सुन लीजिए मैंने इबादत का नाम लिया, सुन लीजिए मैंने इबादत का नाम लिया है और आप जो पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, ठीक इबादत की बात कर रहा हूं। आलोक वर्मा जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता, भाईचारा बढ़ेगा हमारा। आलोक वर्मा जी आपके पास आते उससे पहले राहुल यादव का रुख करते हैं। राहुल यादव जी कहते हैं कि बीजेपी वाले मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान ये सारी चीजें करते हैं, अगर आपके भगवान के स्थान पर कब्जा करके कुछ बना दिया जाए और आप बार बार मांगिए कि ये हमारा है और उस पर कुछ चीजें कही जाए, मामला कोर्ट में ठीक है, कहीं जबरदस्ती जमीन कब्जा करके वहां निर्माण कार्य कर दिया जाए, लोगों को दिक्कत होने लगे और लोग कहे कि नहीं ये गलत है, तो भी आप कहिए कि नहीं हम निशाने पर है, क्या ये ठीक है समाज के लिए? जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं तो एक तरफ से होगा क्या कि दोनों तरफ से होगा? रही है, न्यूट्रल रही है। और इस मामले में मैं आपको बता दूं कि इस देश में बहुत ऐसे हैं धार्मिक जगहें हैं जो विवादित हैं और कानूनी रूप से विवादित हैं। अभी वर्तमान स्थिति में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक कोटेशन है, मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, वो कहा करते थे कि जो धर्म है यह दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति जो है वो अल्पकालिक धर्म है। अब मौजूदा जो बयान है जिसको लेकर ये दिया गया है, यहाँ बैठे सबको पता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अपने वेरेडिक्ट है, अपने उन्होंने बयान भी जारी किए हैं और ये विचाराधीन है। तो किसी भी ऐसे मामले को जो विचाराधीन है उसको धार्मिक एंगल देना या उसके लिहाज से बात करना, मुझे लगता है कि कोई भी जो संवैधानिक व्यक्ति है संविधान की शपथ लेकर संविधान पद पर बैठा हुआ है तो संविधान उसे ये आशा करता है कि ऐसे मामलों से वो बचे, ठीक है, ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि मैं जो कहना चाहता हूं कि इस पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा पिछले साल का जो सर्वे था, उन्होंने न्यायालय का ये अलग है, ये अलग विषय है, मामले पर संभल के बोलना चाहिए। देश में जब मामला कानून में है तो कानून की इज्जत करनी चाहिए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको रडार नहीं, आपने जो कहा संवैधानिक पद पर बैठे, हमने भी देखा है, मैं आता हूं ना संवैधानिक पद पर बैठी चीजें, आपने कहा ना संवैधानिक पद पर ही बैठा एक मुख्यमंत्री जब टोपी लगाकर इफ्तार में जाता है तो क्या वो सही है? संवैधानिक पद पर बैठा एक बात तो सुनिए संवैधानिक पद पर बैठा एक मुख्यमंत्री जब गाजियाबाद में हज हाउस बनवाता है तो वो सही है? देखिए राहुल जी, आप, मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो सर्वधर्म संभाव में यकीन करता है, जाहिर है सबके इबादतगाह पर, सबके पूजा के स्थलों पर उसे जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की जो नारे देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं, वो सबको जोड़ने की, मैं समझ रहा हूं, सनातन की बात कर रहे हैं ना, सनातन में ही है वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन अब उन्हीं की जगह कब्जा करके वहां आप
सीना चौड़ा करके, और ये बाद में जब उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी जगह है खाली कर दो, तो आप कहने लगे कि हम लोग तो निशाने पर है, ये भी जायज है क्या? आलोक वर्मा जी, वसुधैव कुटुंबकम, आपने बाहें खोल दी, लोग आ गए, जब चीजें आप लोगों के कब्जा होने लगी, अब आपने कहा कि दे दीजिए भैया, तो कह रहे आप हमें तो निशाने पर ले लिया आप लोगों ने। राहुल भाई, एक शेर है कि कुछ मेरी नजर ने चुप के कहा, कुछ उनकी नजर ने उठ के सुना, झगड़ा जो न बरसों से चुपता था तय हो गया बातों बातों। मुझे लगता है राहुल भाई कि जिस तरीके की तस्वीरें शिमला से आई, वैसी तस्वीरें शायद आप भी नहीं देखना चाहते थे, हम भी नहीं देखना चाहते, देश भी नहीं देखना चाहता। जिस तरीके से अयोध्या का प्रकरण, बाबरी मस्जिद का जो प्रकरण था, जो विवाद था, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय देना पड़ा, मुझे लगता है कि आपस में मिलजुल करके अगर चीजें निकल जाती तो कहीं बेहतर है। ऐसे बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी जगह है, बहुत मुझे नहीं समझ में आता। जैसे इस्लामिक देश में हिंदुओं ने बोला कि यहां मंदिर होना चाहिए, खुद सरकार वहां आके बोली कि हाँ ठीक है मंदिर होना, वहां मंदिर का निर्माण हुआ, यहां क्या दिक्कत है? यहां तो विदेश से फंडिंग हो जाती है, भैया आप मस्जिद तैयार कीजिए, हम तो फंड दे रहे हैं, बाद में कई सारे खुलासे भी होते हैं। आप इस तरीके से क्यों नहीं होते? आपको चाहिए तो आप मांगिए। यहां कुछ मामला दूसरा हो जाता है, यहां समाजवादी पार्टी को उसमें अपने वोट बैंक दिखने लगते हैं, वहां उनकी राजनीति शुरू हो जाती है, कुछ राजनीति पर्दे के आगे से करते हैं, कुछ पर्दे के पीछे से करते हैं। तो जो बातचीत से मसला हल हो जाना चाहिए इस देश में, मुझे लगता है कि वो गंभीर हो जाता है, चाहे वो बनारस का प्रकरण हो, अयोध्या का प्रकरण हो, शिमला का प्रकरण हो, कहीं और देश के किसी दूसरे हिस्से में जहां इस तरीके का विवाद हो रहे हों, निश्चित रूप से कुछ इसी तरह की चीजें वहां पर होती हैं, सियासी रोटियां वहां पर सेकी जाती हैं और मामला जो है कुछ इस तरीके से पेचीदा हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बहुसंख्यक चाहता है और उसका हक बनता है, तो कहीं पर भी अगर विवादित कोई इमारत है, वैसे भी वो मस्जिद नहीं होती है, वहां नमाज अगर कोई अदा नहीं, वो नहीं मानेंगे ना, वो इस्लाम के तहत नहीं चलेंगे। मस्जिद आ गया तो ये हो रहा कि आप लोग कब्जा कर रहे हैं, वैसे भी कह रहे हैं कि उनकी मस्जिद निशाने पर है, मुसलमान निशाने पर है। यह जो जो आपने किसी ने मंदिर बनाया, कौन कहां विवाद है, किसी ने मस्जिद बना लिया, इस देश में हजारों हजार मस्जिद, वही तो मैं भी कह रहा हूं नाजिम साहब, हमें कहां विवाद होता है, यूएस कनाडा या यूएई, मैं कह रहा हूं दूसरे जगह, रूस या कहीं जाके नहीं मांगा जा रहा है, इसी भारत में मांगा जा रहा है ना कि भैया जो हमारी चीजें हैं दे दीजिए। हाँ जी नाजिम साहब, नाजिम साहब, नाजिम साहब, चाइना जाके नहीं मांगा जा रहा है, आप वहाँ इबादत कीजिए, किसको ऐतराज है? हमने मंदिर बनाया, हम वहाँ पूजा करते हैं, किसको ऐतराज होना चाहिए? भारत के अंदर ही मस्जिदें बनेंगी इंशाल्लाह, और देखिए हमारा संवैधानिक अधिकार है, भारत के अंदर हमारी मस्जिदें सुरक्षित रहे। और रही बात, ये बार बार संचोली की बात आ जाती है, तो मैं भाजपा के प्रवक्ता को एक बात बता देता हूँ कि इन महाराष्ट्र के अंदर इनके विधायक ने क्या कहा था महेंद्र रामगिरी के बचाव करते हुए, कि मस्जिद के अंदर घुस घुस के चुन चुन के मारेंगे, ऐसा भाजपा के विधायक ने कहा। मैं कहां, आप कहां जा रहे हैं? तो वैसे भी तो कह रहे थे दो मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, फिर देखिए वो छोड़ देते हैं ना। मैं आ रहा हूं अपने मुद्दे पर, मैं अपने मुद्दे पर आ रहा हूं, जो चीजें विवादित है, विवाद एक मिनट, कोर्ट से विवाद सुलझेगा तो फिर कहा जाए, आप लोगों से कहा जाएगा आपकी सरकार है, आप लोगों ने सारी तय कर दी, जैसे राम मंदिर में बोलते आ रहे हैं आप लोग। नाजिम साहब, जो चीजें हैं, जहां विवाद है वहां खुद ही छोड़ देना चाहिए, वैसे भी इस्लाम यही कहता है, विवादित जगह पर अल्लाह को अगर आप लोग याद कीजिए तो वो दुआ कबूल नहीं होती, ऐसा ही है ना इस्लाम में। राहुल जी सुन तो लीजिए, देखिए क्या हम लोग ही अपना बड़ा दिल दिखाते रहे, अब ये कब तक, कौन सा बड़ा दिल, मंदिर तलाश करते रहे, कौन सा बड़ा दिल, ये बताइए। औरंगजेब जो करके गया, औरंगजेब जो करके गया, क्या उसी ढर्रे पर चलना चाहते हैं आप लोग? रस खान की तरह क्यों नहीं कहते आप? राहुल जी मैंने कहा दो चीजें हैं, मैं तो कह रहा हूं दो चीजें हैं, एक औरंगजेब, एक किसी भारत में रस खान, आप किसे पसंद करते हैं ये आपकी चॉइस है। हाँ, राहुल जी मेरी बात सुनिए, देखिए हमने कहा कि हमने बड़ा दिल दिखाया, हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना था बाबरी मस्जिद को लेकर, और अब जिस तरीके से ज्ञान व्यापी का चल रहा है, कोई इधर मथुरा वाला चल रहा है, तो देखिए हिंदू भाइयों को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि जी ठीक है राम जी के बाबरी मस्जिद हमने ले लिया, राम जी मंदिर बन गया, तो अब यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। लेकिन मस्जिदों को निशाने पर राहुल जी रखा जा रहा है, कहाँ मस्जिदों को निशाने पर रखा जा रहा है बता दीजिए, कहाँ रखा जा रहा है? मस्जिदों के नीचे, मस्जिदों के नीचे ही मंदिर तलाश करे जा रहे हैं। कहाँ भाई? भारत के अंदर कहाँ कहाँ तलाश किए गए, आप बताइए ना नाजिम साहब, कहाँ कहाँ तलाश किए गए?
देखिए सबसे पहले तो मैं बाबरी मस्जिद को ही कहूंगा, ठीक है मैं आ जाता हूँ फिर बाबरी पर आ गए, वो तो फैसला हो गया, लेकिन फिर भी एक सवाल है मेरा, क्या किसी शख्स के नाम पर मस्जिद होती है क्या? देखिए मस्जिद जो होती है ये वक्त के मिल्कियत, कहाँ की बातें कहाँ कर रहे हैं, वक्त कब बना, मस्जिद कब बनी, क्या सारी चीजें आपको या तो समझ में नहीं आ रहा है या आप समझना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, सुन तो आचार आचार राज मिश्रा जी, आचार राज मिश्रा जी, मैंने वक्त का मतलब वक्त बोर्ड नहीं कहा, मैंने वक्त का मतलब होता है दान करना, मैंने वक्त का नाम वो लिया, वक्त बोर्ड का नाम नहीं लिया, वक्त का मतलब दान करना। और देखिए जिस तरीके से वहां मस्जिद औरंगजेब दान करके गए थे, मतलब सुन तो लीजिए, जमीन भारत की, भारत के अंदर ही मस्जिदें बनी है, तो मस्जिद भारत में नहीं बनेगी तो कहां बनेंगी? नहीं, हिंदुओं के धार्मिक स्थान पर बनेंगी, है ना राज मिश्रा जी, हिंदुओं के धार्मिक स्थान पे बनेगी, आप अपनी चीजें मांगेंगे तो वो कहेंगे तो ये तो गलत बात है। और कब्जा करके जो मुगल आए, अरे आपको तो नाजिम खान साहब यहाँ बैठे थे, हाजी नाजिम जी अगर आप यहाँ बैठे थे तो आपको तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो लुटेरे आए जिन्होंने सबसे ज्यादा आपको प्रताड़ित किया और आपको कन्वर्ट किया, वो जो गलतियां करके गए हैं उसको हम एक्सेप्ट करें और भाईचारा निकल करके आएगा। अच्छा एक बात आप बताइए, सच्चाई में भी राहुल जी ने आपको स्पष्ट किया कि ये नियम है मुस्लिम के अंदर कि कोई भी कब्जा की गई जगह, जबरदस्ती ली गई जगह, किसी दूसरे धार्मिक स्थल की जगह पर कोई भी नमाज नहीं की जा सकती, उसको खुदा कबूल नहीं करेगा। अब भाई अगर उसके कैरेक्टर को पता करने की बात की जा रही है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, सच्चाई निकल कर आना चाहिए। कहीं पे भी कोई भी चेक मंदिर पे चेक कब्जा नहीं करा गया, ना कहीं पे भी कोई कब्जा नहीं करा गया, लेकिन हाँ सुन लीजिए, बार बार औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात आ रही है तो मैं कह देता हूँ कि बालाजी मंदिर जब बना था तो वहाँ पे 313 बीघे जमीन दी गई थी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने, और मैं आचार्य वही तो कह रहा है कि आपके यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में अपने वर्डिक्ट में ये कहा है बाकायदा कि मंदिर तोड़ी गई, इसीलिए 1983 में बाकायदा स्पेशल एक्ट आया था, अगर आपको नहीं याद हो तो मैं याद करा रहा हूँ। राहुल यादव जी, राहुल यादव जी, पेज नंबर, सामाजिक समरसता की बात केवल सनातनी ही करेंगे क्या, आपसी भाईचारे की बात केवल सनातनी ही करेंगे क्या, गंगा जमुनी तहजीब की बातें केवल सनातनी ही करेंगे क्या? नहीं राहुल जी, ये बड़ा मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो आपसी जो समरसता की जिम्मेदारी समाज के हर धार्मिक या कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म समुदाय से जुड़ा हो, जिम्मेदारी सबकी है और सामूहिक है, एक तो ये बात है। और दूसरी बात यह है कि जिस मामले को लेकर सभी हम बहस कर रहे हैं, उस मामले में बंद क्यों कर दिया था, आप एक बात बता दीजिए, आपकी सरकार रहते हुए हमारे साथ न्याय नहीं किया ना, आपने सिर्फ एक धर्म, ये सियासत है आचार्य राज मिश्रा जी, आप न्याय की उम्मीद करते हैं क्या? चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।